पटना आज बंद है और साथ ही बंद है पूरा बिहार। सीएबी जिसको अब सीए कहा जा रहा है उसके खिलाफ में तमाम संगठन जो हैं, जो विरोध के हैं, वो एक साथ आ गए हैं। पटना की डाकबंगला चौराहे की तस्वीरें हैं। कहता है कि डाकबंगला चौराहे जो सोचता है वो पूरी बिहार की बात होती है। शकील खान साहब हमारे साथ हैं। शकील जी, जिस तरीके से आज विपक्ष एकजुट है और जिस तरीके से सत्ता पक्ष के लोग भी आज सड़कों पे हैं, वो आपके बंद का विरोध कर रहे हैं, आप बंद में हैं, लोग कह रहे हैं कि बंद से नुकसान आम आदमी को होता है, तो ये बंद बुलाने की जरूरत क्यों पड़ जाती है? जब कोई भी कानून संसद पारित करती है तो फिर सड़क पे हंगामा क्यों? संसद में संख्या के बल पे लोकतंत्र की अगर हत्या कीजिएगा तो लोकतंत्र में क्या जनता बर्दाश्त करेगी? ऐसा इतिहास इस देश का नहीं रहा है, नंबर वन। नंबर टू, जिस आर्टिकल 14 के तहत सभी लोगों को इस देश में कास्ट, क्रीड, रिलीजन को छोड़ते हुए नागरिकता पे हमेशा बात कही गई है, ये रिजॉल्व मैटर है, उसको आप किन बुनियादों पे उठा रहे हैं और इससे किसको फायदा होने वाला है? बेरोजगारी के ऊपर प्रश्न नहीं उठे, प्याज की कीमत पर प्रश्न नहीं उठे, शिक्षा पे प्रश्न नहीं उठे, ध्यान भटकाने के लिए, देश की जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए लोकतंत्र के अंदर संख्या बल पे बुलडोजर चलाएंगे तो देश की शांति प्रिय जनता, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए आज का एहतजाज सिर्फ यहाँ नहीं है, पूरे देश में आप देखिएगा लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर हैं। आपने देखा सीमांचल कोशी के क्षेत्र में क्या हुआ है, दूसरे जगहों पे, गया में हो, भागलपुर, हर जगह आप जानते हैं। तो ये एहतजाज तो यहाँ रुकने वाला नहीं है। आज प्रोटेस्ट है, 21 को प्रोटेस्ट है, हर रोज प्रोटेस्ट होगा ताकि इनको एहसास हो सके कि जनता जागी हुई है। आप खुद भी एक मुसलमान हैं और गृह मंत्री के 2-3 इंटरव्यूज अभी हाल में टीवी पर आए, वो साफ कह रहे हैं कि भारत के मुसलमानों को दिक्कत नहीं है। आप लोग, मतलब कहने का मतलब, आपका मतलब विपक्ष भ्रम की राजनीति कर रहा है, तो ऐसी राजनीति वो कह रहे हैं कि आप भ्रम कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, एक्चुअल में हो क्या रहा है देश में? कपिल सिब्बल ने पार्लियामेंट में कहा था कि वजीर दाखला साहब आपसे कोई नहीं डरता, हिंदुस्तानी मुसलमान भी नहीं डरता, इसलिए कि उसके बाप दादाओं की कब्रें यहाँ जड़ी हुई हैं, आज़ादी में जाने दी, हमने कुर्बानियाँ दी हैं, डरता उनसे कोई नहीं है। संविधान का बहाना बना करके अगर आप गलत काम करेगी तो वही जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी, ये है कहना। लेकिन झुकने को तैयार तो है नहीं वो, ना हुआ करें, हमने ब्रिटिश साम्राज्यवाद को झुकाया है, ये तो 6 साल के लोग, तड़ी पार लोग हमें झुका नहीं पाएंगे, ये तय है। तो झुका नहीं पाएंगे, आप भी एक मुसलमान हैं, अमित शाह कहते हैं कि मुसलमानों को खतरा नहीं है, मुसलमान सुरक्षित हैं, कह रहे हैं कि भारत के मुसलमान कैसे को लेना देना नहीं है, वो आरोप लगा रहे हैं कि आप भ्रम के शिकार हैं क्योंकि आप एक मुसलमान हैं, आप उस कम्युनिटी में, उस कौम में जाते हैं, वहाँ के लोगों से मिलते हैं, वहाँ के लोगों की बात सुनते हैं, क्या ये सच में भ्रम वाली बस बात है या इसके पीछे बड़ी साजिश है जिसको कहने की बात आप लोग जो आरोप लगा रहे हैं वो है? नहीं, असल ये है कि जब तक ये सीएए को एनआरसी और एनपीआर के साथ आप मिक्स नहीं करेंगे तब तक चीज़ें समझ में नहीं आएंगी आपको। और ये जो बातें बोलते हैं अभी, ये अमित शाह जो बातें बोलते हैं और भाजपा के जितने भी लोगों ने हमेशा मीडिया के सामने, ये लोगों के सामने जो बातें कही हैं उसमें सच्चाई नहीं होती, बात कुछ और होती है। लेकिन जब तक कि आप इन चीज़ों को एनआरसी के साथ मिक्स नहीं करेंगे और साफ तौर पर यह कहा गया है कि भाई जो लोग भी अपनी नागरिकता, भली चीज़ तो यह है कि हिंदुस्तान के रहने वाला नागरिक अब इन लोगों को अपनी नागरिकता का सर्टिफिकेट शो करेगा, पर जनता तो इनको सरकार बनाने का काम करती है और सरकार जनता से नागरिकता का सर्टिफिकेट मांगेगी, पहला चीज़ तो यही इशू ख़राब चीज़ है। दूसरा यह है कि कहाँ से गरीब हिंदुस्तान के रहने वाले लोग अब इस नागरिकता का सर्टिफिकेट इनको देंगे? जब अगर आप नागरिकता का सर्टिफिकेट इनको नहीं देंगे तो आपको डिटेंशन कैंप में रखा जाएगा, आपको हिंदुस्तान से बाहर जाने की बात कही जाएगी। और सीएबी के जरिए ये तो हिंदू हिंदू मुसलमान को बांटने की साजिश है इनकी कि भाई जो लोग भी है, इन्होंने क्लियर कहा है कि जो नॉन मुस्लिम हैं, जो कास्ट का उन्होंने डिस्क्राइब किया है, उन लोगों को हम नागरिकता देंगे, बाकी लोगों को हम नागरिकता नहीं देंगे, तो साफ और क्लियर है इस चीज़ों को। क्या आप लोग कोई डर है कि जो असम में एनआरसी है उसी आधार पर देश भर में एनआरसी हो जाएगा जिसकी वजह से लोग परेशान होंगे, ये है? जाहिर सी बात है, वो तो खुद कह रहे हैं कि भाई सारे हिंदुस्तान के अंदर मैं एनआरसी लागू करूंगा। लेकिन उसका तरीका तो तय नहीं किया उन्होंने। भाई तरीका तय नहीं किया, लेकिन एहतजाज तो जरूरी है करना ना इनके सामने, क्योंकि इनकी बात कुछ और होती है, करने का कुछ और होता है, वो तो एहतजाज जरूरी है इनके सामने करना ना। वो एक तरीके से नफरत की
राजनीति कर रहे हैं, नफरती खेती कर रहे हैं जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं? ये तो हमेशा से उनकी पॉलिटिक्स रही है कि किसी तरह से पोलराइज किया जाए, हिंदुस्तान का जो कोर इशू है उस इशू को इन चीज़ों से डाइवर्ट किया जाए। ये तो उनकी एक पॉलिटिक्स रही है, वो इस पॉलिटिक्स में कर रहे हैं उसको ये लोग। तो बिल्कुल, जो मुसलमान है वो गुस्से में है साफ तौर पर कहते हुए कि जो जो सत्ता पक्ष है, जो बीजेपी है, जो NDA है, वो मुसलमानों को टारगेट कर रही है और CAB और NRC जब तक मिक्सअप नहीं होता है, जब तक तस्वीर साफ नहीं होती है, तब तक इनका जो विरोध है इसी तरीके से बदस्तूर जारी रहेगा। सहयोगी आकाश के साथ रोहित कुमार, न्यूज़ फॉर नेशन, पटना।